आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हमने अंडे और सब्जियों के साथ बनाया है और इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। और ये देखिए, बहुत ही टेस्टी भी है। और अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर्स कॉर्नर में। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक प्याज, आधा टमाटर, थोड़ा धनिया, एक या दो हरी मिर्च, आप चाहे तो शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, दो अंडे, आधा कप दूध और ये 4 टीस्पून मैदा है। और मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। और सबसे पहले हम ये अंडों को तोड़ लेते हैं। और इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। अब हम इसमें आधा कप दूध डाल देते हैं और उसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये 4 टीस्पून मैदा, आप चाहे तो मैदा की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और वैसे जो रेशो होता है वो ये होता है कि एक अंडा लेते हैं तो 2 चम्मच हमें मैदा लेनी होती है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ में ही हम डाल देंगे ये हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने तीखी वाली नहीं ली है। हरा धनिया, आप चाहे तो इसमें पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर और प्याज, अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये मिक्स होके कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले ऐड करेंगे हम इसमें नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, मैंने वैसे 1/4 चम्मच लिया है। और अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ी मिर्च और बढ़ा सकते हैं, ये मैंने 1/4 चम्मच ली है। और डालेंगे पिंच ऑफ हल्दी। और आप कोई भी मसाले इसमें ऐड चाहे करिए चाहे ना करिए, इसका टेस्ट इसी में बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ बेकिंग सोडा और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चलिए, अब इसे हम कुक करते हैं। गैस पे हमने पैन रख दिया है और उसमें हम पहले ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। इसमें हमें ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है। और गैस की फ्लेम को रखेंगे लो। और अब हम इसको 1 चम्मच की सहायता से इसमें डाल देंगे। पूरा अच्छे से फैला दीजिएगा। यह हमने अच्छे से फैला लिया। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा छिड़केंगे ओरिगेनो। चिली फ्लेक्स, और इसको हम ढक के रख देंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीज। ये मैंने ग्रेट कर लिया था चीज, आप चाहे तो चीज की जो स्लाइस आती हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अब हम इसे फिर से ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए। अब हम एक प्लेट से इसको इसमें पलटेंगे। और फिर से इसमें ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसको हम इसमें दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये हमने दूसरी तरफ से भी पलट के उस पर चीज डाल दिया है और अब हम इसे 2 मिनट कुक होने देंगे। चलिए देख लेते हैं, 2 मिनट हो चुकी हैं। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, हमने इसे सर्व कर लिया और अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप पिज्जा खाना भूल जाएंगे जब आप इस तरह से इस रेसिपी को बनाएंगे। आपके घर में किसी को ना पसंद आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ना, बिल्कुल प्रॉपर सिक्की है, अंदर से पूरी अच्छे से कुक हो गई है और बहुत ही टेस्टी भी बनी है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।